बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत दिनों से आपके, बहुत टाइम से आपके ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो पिंपल मार्क्स हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए, वो नहीं जा रहे, उसके लिए क्या सॉल्यूशन करें। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आई हूँ जो 7 दिन के अंदर करने वाला है आपके पिंपल मार्क्स को बिल्कुल ख़त्म, और ज़िंदगी में फिर कभी आपके पिंपल मार्क्स नहीं आने वाले। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके तो इसलिए शेयर भी कर दीजिए। और बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम होगी ना तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं 7 दिन वाला सॉल्यूशन ले आऊँगी। ओके, स्टॉप इट नाउ। अगर आपके बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा था पिम्पल मार्क्स पे, एंड मैं मजाक कर रही थी बिकॉज हम लोगों का ये होता है, मैं आप लोगों की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी। हम लोगों में ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं, हेयर फॉल है, कुछ भी है, वो ऐसे ख़त्म होना चाहिए, यूँ करके ख़त्म होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एक कहावत है हमारी लोकल लैंग्वेज में कि टाइम लगता है तभी चीज़ बनती है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, अगर आप जल्दी जल्दी आप खाना पकाते हो, कोई चीज़ पकाते हैं जब भी, तो आप अगर बहुत ज़्यादा हीट देंगे ना तो उससे खाना जल्दी नहीं बनेगा, उससे खाना जल जाएगा। वैसे ही आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो टाइम देना सीखो सबसे पहली बात। ये कभी नहीं होता है कि आज लगाया और कल चमत्कार हो गया या एक हफ्ते में चमत्कार हो गया। चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। आप जब भी कुछ काम करते हैं आपको उसको वक्त देना पड़ता है, उसके बाद वो अपना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का जो भी उसका रिजल्ट होता है वो शो करती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी स्किन पे हमेशा, मतलब मेरी स्किन ऐसी नहीं थी, मेरे स्किन पे बहुत पिंपल मार्क्स थे। अगर लास्ट ईयर आप मेरी स्किन देखते तो इतने पिंपल थे बिकॉज मैं घर से बाहर थी एंड एनवायरनमेंट सूट नहीं होता है, मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। प्लस हम गर्ल्स की स्किन का कोई जवाब नहीं। हम गर्ल्स का ये होता है कि पीरियड्स आ गए, पिम्पल्स आ गए, पिम्पल्स आ गए तो फिर तो पोकिंग स्टार्ट, और पोकिंग एक बार स्टार्ट तो फिर ट्रस्ट मी मार्क्स तो छूटते ही छूटते हैं। इसलिए हम लड़कियों की स्किन हमेशा ख़राब होती है, एंड लड़कों की भी होती है, ओके, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, एंड बहुत सारे लड़के तो स्किन केयर ही नहीं करते, ये सोच के कि लड़के स्किन केयर नहीं करते हैं, जो कि आई थिंक अगर आप आज की डेट में भी ये सोचते हैं कि लड़के स्किन केयर नहीं करते तो आई डोंट नो आप कौन सी सदी में जी रहे हैं। लड़कों को स्किन केयर करना चाहिए। तो आज मैं लड़का लड़की जो भी है सबके लिए ये अपने कुछ एक्सपीरियंस से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था फार्मेसी प्रोडक्ट वाला, मैं उसका लिंक दे दूँगी। वो भी एक्चुअली उसमें मैंने बताया कि मैंने अपने पिंपल से, अपने पिंपल मार्क्स से कैसे छुटकारा पाया। बट ट्रस्ट मी, आज भी मेरी स्किन से पूरी तरह से पिंपल मार्क्स नहीं गए, यहाँ कुछ पिंपल मार्क्स अभी भी हैं, अगर आप क्लियरली देखेंगे तो अभी भी थोड़े पिंपल मार्क्स हैं मेरी स्किन पे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पिंपल मार्क्स एक साल में बहुत आसानी से चले गए, नो, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। पिंपल जितना इजी आता है ना हमारी स्किन पे, उसका जो मार्क है, जो पिंपल है, वो उतना ही ज़िद्दी तरीके से जाता है, वो जाता ही नहीं, ट्रस्ट मी, बहुत टाइम लगता है। तो आज मैं आपके साथ अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, ओके, तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगी बिल्कुल बेसिक चीज़ से, पिंपल से। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था फार्मेसी प्रोडक्ट्स, जिन्होंने मुझे पिंपल और पिंपल मार्क्स से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको विद इन 2 or 3 months में विजिबल रिजल्ट्स देखने हैं तो आप वो वीडियो देखिए। उसमें जो प्रोडक्ट मैंने शेयर किए हैं, तीनों प्रोडक्ट, वो मुझे मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किए थे एंड वो सेंसिटिव स्किन के लिए हैं, ओके, वो प्रोडक्ट थे। एक तो सोप था, वो अलाइट का सोप, मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने सोप ही सजेस्ट किया था, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप उसके फेस वॉशेस ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने कहा था उसका फेस वॉश भी आता है एंड उन्होंने कहा था आपको सोप ट्राई करना है, उन्होंने मुझे फेस वॉश के लिए मना किया था, आई डोंट नो व्हाई। एंड ये क्रीम थी जो पिंपल्स के लिए उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, ये है फॉर एक्ने। आई डोंट नो ये किस तरीके की, सिप्ला की क्रीम है, फॉर एक्ने इस तरीके की दिखती है ये। उस वक्त अराउंड, इसमें आई थिंक प्राइस लिखा होगा, ये मुझे पड़ी थी
अंडर 100 ही पड़ी थी मुझे, लेकिन अब इस पे रेट नहीं है और जो बाहर वाला डब्बा है वो ख़त्म हो गया और ये दूसरा पाउच है ख़त्म हो गया। फिलहाल मुझे पिंपल्स होते नहीं है इतने, तो मैंने और ख़रीदी नहीं है। बाकी ये वाली क्रीम है, आप देख सकते हैं मैंने कितनी यूज़ किया, अगर आपको लगता होगा मैं फेक बात कर रही हूँ। एंड सेकेंड मैंने इसके पिम्पल मार्क्स के लिए यूज़ की थी ये 12%, ये भी माइक्रो की है, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, ये 12% है। लेकिन आप कोशिश करना, आप इसका 6% वाला वेरिएंट यूज़ करो। मुझे भी उन्होंने पहले 6% यूज़ करने को कहा था, लेकिन उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 12% वाला यूज़ किया। और इसका पहले पैच टेस्ट कर लेना, मुझे इसे यूज़ करने के बाद बहुत हल्की सी बर्निंग सेंसेशन हुई थी, वो मुझे हर बार होती थी जब भी लगाती थी मैं, और मैंने उनसे कहा भी, तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट 12% यूज़ कर रहे हो, आपको पहले 6% यूज़ करना चाहिए था, इसकी वजह से हो रहा है। बट आप देख लेना, आप प्लीज़ 12% यूज़ करना, एक की बजाय 10 जगह पूछ लेना, और 12% यूज़ मत करना, 6% पहले ट्राई करना। और वैसे भी जो 12% है ये मुझे 130-140 के आसपास पड़ी थी, आई थिंक अब इसका प्राइस बढ़ गया होगा। एंड जो दूसरी है वो आपको अंडर 100 पड़ेगी, जो 6% वाली। अब वो कैसे अप्लाई करनी है, रात में अप्लाई करनी है, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई है, उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड जहाँ तक बात रही मार्क्स की, तो अगर आप सच में ये सोच रहे हो ना कि मार्क्स आपके एक हफ्ते में जाने वाले, एक महीने में जाने, या तीन महीने में जाने वाले, तो ट्रस्ट मी, बहुत लाइट वाले मार्क्स होंगे तो चले जाएंगे, लेकिन ज़िद्दी मार्क्स होंगे जैसे मेरी स्किन पे हैं, जो बहुत टाइम से आ जाते हैं, जो पिंपल बार बार पो करने की वजह से आते हैं, तो बहुत टाइम लगने वाला है। पहले मैंने एक गलती की थी कॉलेज टाइम में, मुझे मैंने 2 से 3 सनस्क्रीन्स ट्राई की एंड मेरी स्किन पे बिल्कुल सूट नहीं हुई। मैंने सनस्क्रीन वाला एक वीडियो बनाया है, आपको उसमें पता चल जाएगा कौन कौन से सनस्क्रीन्स थे वो जो मेरी स्किन पे सूट नहीं हुए, मुझे पिंपल्स हो गए। और आप ये बात रिलेट कर सकते हैं कि जब भी स्किन पे पिंपल होते हैं, हमारा बहुत मन करता है कि उसे हम पोक कर लें, तो मैं उनको पोक करती रही। कॉलेज टाइम में मेरी स्किन इतनी अच्छी थी ना, बहुत अच्छी है, मैं पोक करती रहती थी पिंपल्स को, वो ठीक हो जाते थे, मार्क्स भी नहीं छूटते थे पीछे। मैं कहती थी यार ऐसी स्किन ना, आई एम ब्लेस्ड। और मैंने उस चक्कर में सनस्क्रीन स्किप की है कुछ टाइम तक, एंड उसकी वजह से पिंपल होते गए मैं उनको पोक करती गई। और एक टाइम के बाद जब मैंने अपनी स्किन को नोटिस करना स्टार्ट किया, तो ओपन पोर्स स्टार्ट हो गए, सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई। ऐसी टैनिंग जैसे कुछ एरिया, जैसे आपके चीक्स आपको ब्राइट लगेंगे, लेकिन आपका अपर लिप्स, लोअर लिप्स वाला जो एरिया है वो, और फोरहेड आपके ब्लैक हो जाते हैं, मुझे वो वाली टैनिंग दिखना स्टार्ट हुई। एंड कुछ टाइम बाद मेरे पिंपल के इतने गंदे मार्क्स, मुझे नहीं पता कैसे, इतने पिंपल्स भी नहीं थे फेस पे, मैं पोक भी नहीं करती थी उस टाइम, लेकिन वो पिंपल मार्क्स आना स्टार्ट हो गए। और फिर मुझे पता चला कि गलती कहाँ हुई है। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत से एक अच्छी सनस्क्रीन ढूंढी है, एंड दैट इज़ डर्माको, ओके, ये वाली सनस्क्रीन, ये मेरी बेस्ट सनस्क्रीन है आज तक की। जब मैं इसको ट्राई कर रही थी 500, ट्रस्ट मी, कोई बड़ा ये मतलब नहीं कह सकते कि आप इजीली उसको परचेज कर सकते हैं, बड़े अमाउंट नहीं है, 500 बहुत बड़ा अमाउंट होता है इतनी सी सनस्क्रीन के लिए। लेकिन अगर मैं 2 फिंगर रूल भी यूज़ करूँ, तो ये मेरी 2 महीना बहुत आराम से चलती है, कई बार 2.5 महीना भी चलती है। एंड पंप वाला फॉर्मूला है इसका, मैं 500 वाला यूज़ करती हूँ। और मेरी चालाकी ये है कि जब भी इसकी बाय वन गेट वन सेल लगती है, जो कि साल में 2 बार लगती है, मैं इसके 4 डब्बे यूज़ कर लेती हूँ। 1000 रुपये में आपको 4 बॉटल्स मिल जाती हैं, और मेरा कम से कम 7-8 महीनों का जो है पूरा हो जाता है। अभी तक मैंने इसके 4 जो ये हैं वो यूज़ कर लिया, और भी ऑर्डर करके रखे हुए हैं कि सेल कभी भी लगे मेरे पास एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए। ये मेरे फ्रेंड्स की, मेरे पूरी फैमिली की फेवरेट है, वो मुझसे ले लेके जाते हैं इसको। एंड ट्रस्ट में आपको ट्राई करनी चाहिए, ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। आई डोंट नो अबाउट ड्राई स्किन, लेकिन ड्राई स्किन वालों का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये मॉइस्चराइजिंग है। इसमें 1% हाइलूरोनिक एसिड है, SPF 50 है, PA++++ है इसमें, एंड विटामिन ई है इसमें, एंड फ्रेग्रेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। यूज़ करो अच्छे से, 2 मिनट में ये गायब हो जाते हैं आपकी स्किन से, आपको पता नहीं चलेगा। और मेरी स्किन चिपचिपी नहीं होती, सर्दियाँ होंगी, गर्मियाँ होंगी, मैं इसको यूज़ करती हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सनस्क्रीन स्किप कर रहे हैं तो इससे अच्छा हो रहा है, नहीं, इससे भी पिंपल्स होते हैं, इससे पिंपल मार्क्स को और बढ़ावा मिलता है। एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो आपके पिंपल मार्क्स धीरे धीरे फेड होंगे।
सेकंड मैं बात करूंगी मॉइस्चराइजर की। आपको पता है मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का, बहुत बड़े वाला डब्बा ले आई हूँ आज तो। लेकिन ये 55 रुपीज़ का भी मिलता है, 110 का भी मिलता है, और ये वाला 220 का भी मिलता है। तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये जेल फॉर्मूला है, इसमें नाइसिनमाइड है। और मैं इस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी मॉइस्चराइजर की। अगर आपकी स्किन पे पिंपल मार्क्स है ना, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है। क्योंकि ये आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल रूटीन है, इसको क्या हो जाएगा, इसे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्प करती हैं। आप एक अच्छे वाला जब स्किन केयर रूटीन यूज़ करते हो ना, तो आपकी स्किन हैप्पी फील करती है, हेल्दी फील करती है। और वो हेल्दी होती है ना, तो वो पिंपल मार्क्स स्पेशल क्रीम लगाने से ख़त्म नहीं होते हैं। ट्रस्ट मी, आप जब एक अच्छा स्किन केयर, एक अच्छा जो रूटीन है वो सेट करते हैं अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो भी आपका जो स्किन है वो बहुत अच्छा फील करता है, आपके पिंपल मार्क्स गायब होते हैं। तो ओके, मैंने बात कर ली आपकी स्किन केयर रूटीन की, मैंने बात कर ली आपको पिंपल होंगे तो क्या करना है, आपने पिंपल मार्क्स को 40-50% तक लाइट कैसे करना है। अब मैं नाइट रूटीन की बात करती हूँ। आई नो आपने मेरे से पहले पूछा था कि मैं अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूँ, मैं ले आऊँगी जल्दी, मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं ला रही हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा है, बट वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसने मेरी स्किन केयर रूटीन में बहुत, जो पिछले 5 या 6 महीनों से मेरी स्किन केयर रूटीन में, और 10% तक उसने मेरे पिंपल मार्क्स को ख़त्म किया। ट्रस्ट मी, ये डर्माको का नाइसिनमाइड है 5%, इसमें 10% भी आता है या 15% कोई ऐसा, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये 499 का है 5% डर्माको का सीरम जो है। ओके, ये इस तरीके के कंटेनर में आता है, इसमें पहले कैप लगी होती है, ये कंटेनर, ये अलग से आता है। ओके, ड्रॉपर बॉक्स जो होता है ये अलग से आता है, ये ऐसे वॉटरी फॉर्म में होता है। इसकी सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स काफ़ी होती हैं स्किन में। रात में यूज़ करती हूँ मैं इसको फेस वॉश करने के बाद, एंड इसको यूज़ करने के लिटरली 2-3 मिनट के बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। That's it. वैसे नाइसिनमाइड स्किन को हेल्दी रखने के लिए होता है, आलिया भट्ट ने भी अपनी स्किन केयर रूटीन में बताया था। तो बात हो गई है इन चारों प्रोडक्ट्स की। ओके, इन चारों प्रोडक्ट्स ने मेरी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए ये बिल्कुल ओके हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इसका बस 6% यूज़ करना, और इसे जो नाइसिनमाइड एसिड है इसे देख के लीजिएगा, 10% वाला पहले मत लीजिएगा, ये 5% है। 5% में दो फायदे आपको हो जाएंगे। नंबर वन, ये सस्ता पड़ेगा, 499 का पड़ेगा, दूसरे वाला महंगा है। और दूसरा, आप प्लीज़ पहले 5% वाला ट्राई कीजिए, हायर जो सॉल्ट है, 10% क्यों यूज़ करना पहले। ओके, अगर नहीं यूज़ होना होगा, स्किन पे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा, अच्छे नहीं दिखाएगा, तो पहले 5% यूज़ कीजिए और फिर 5% ही कंटिन्यू कीजिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस गाइज। बाकी इन प्रोडक्ट्स को मैंने पहले भी टैग किया हुआ है, अभी मैं नाम बता रही हूँ। ये डर्माको का है, SPF 50, 1% हाइलूरोनिक एसिड सनस्क्रीन, एंड ये डर्माको का 5% नाइसिनमाइड एसिड, और ये माइक्रो की ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम है। आप इसमें 6% लीजिएगा, ये 12% है, मत लीजिएगा 12%। एंड दिस इज, ये सिप्ला की 4 एक्ने क्रीम है पिंपल्स के लिए, और पिंपल मार्क्स से छुटकारा चाहिए तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ना कि इन प्रोडक्ट्स से रातों रात चमत्कार होने वाले, तो प्लीज़ आप मत ही यूज़ कीजिए, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। मुझे 1 साल हो गया है, मेरे पिंपल मार्क्स अभी तक सिर्फ 70% गए हुए हैं, अभी भी थोड़े पिंपल मार्क्स हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी गलती है, एंड धीरे धीरे ये ख़त्म होंगे। जब यहाँ तक ये चीज़ पहुँची है, पिंपल कंट्रोल हो गए हैं स्किन में, अब नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली। और प्लस एक एक्स्ट्रा ज्ञान कि सुबह उठ के गुनगुना पानी पिया कीजिए। ओके, बहुत अच्छा होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, अच्छा है, लेकिन स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। एंड जितना ज़्यादा हो सकता है फ्रूट खाइए। मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जो मैं हमेशा करती हूँ, हर वीडियो में करती हूँ, लगाने से ज़्यादा खाने पे जोर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स हो, फ्रूट्स हो, हेल्दी खाना हो, ये जो जंक फूड है छोड़ दो, आपकी स्किन बहुत अच्छी होने वाली है, ट्रस्ट मी। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। इतना ही ज्ञान दूंगी मैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं एक बार वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आई नो दैट, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपके हर क्वेश्चन का, जो आपके माइंड में उठता है, उसका जवाब दे दूँ।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को और ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, एंड कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ओके? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड